नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, हमारे देश में सबसे मुश्किल काम है किसी भी व्यक्ति को अपने लिए एक अच्छी नौकरी पाना। नौकरी पाने की चाह में व्यक्ति किसी भी हद तक चला जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छी नौकरी पाले, पैसा कमाए और उस पैसे से अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान देख सके, खुशियाँ देख सके, और इसके लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। नागपुर के कपिल नगर पुलिस स्टेशन में इस पर शिकायत करने की मांग भी की गई है। खसारा नाका नंबर 2 कामटी रोड के पास रहने वाला सुरेश सोनवे, इन्होंने कुछ लोगों के साथ में फ्रॉड किया है, ऐसी जानकारी हम तक आई है। जो पीड़ित है उन्होंने BCN से बातचीत भी की, उन्होंने सारी कहानी भी बताऊँ, लेकिन आपको बता दूँ कि विशाल सतनामी अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसा जमा कर रहे थे और उसे एक ऑफर आया कि ऑनलाइन काम करना है और पर प्रोफाइल 200 रुपये उसे मिलने वाले थे। ऐसा देख करके जब वो सुरेश सोनवे से मिलने गए, विशाल को ऐसी चीज़ें बताई गई कि 15 दिन में वो 3 लाख रुपए तक कमा सकता है, किसी भी व्यक्ति के लिए एक बड़ी बात है। वो उसके झांसे में आ गया और इसके लिए 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट की मांग की गई। 50,000 रुपये तो ऑनलाइन दिया, 50,000 रुपये के लिए ब्लैंक चेक दिए, 15,000 रुपये कैश भी दिया, लगभग 60-70,000 रुपये जमा कर दिया। जिस दिन से पैसा जमा किया उसके बाद से सुरेश सोनवे एक भी प्रोफाइल का काम नहीं दिया, यानी कि सुरेश सोनवे का मकसद यहाँ सिर्फ पैसा सिक्योरिटी के नाम पे पैसा लेना था। जी, मेरा नाम विशाल सतनामी है और जिसने मेरे साथ में फ्रॉड किया, जिसके मतलब मैं न्यूज़पेपर में जिसका ऐड देख करके आया था, उन्होंने अपना नाम मुझे डॉक्टर सुरेश कुमार सोनवे बताया था, जो कि नाका नंबर 2 नागपुर में रहते हैं, मशाड़ा में। मैंने सोचा कि अब काम अगर हो रहा है, मैं ज़्यादा जितने जल्दी ज़्यादा पैसे कलेक्ट करूँगा तो उतनी अच्छी शादी कर पाऊँगा, तो बहन की। तो फिर उस चक्कर में मैंने उनको शेविंग के पैसे दे दिए और जब से अभी तक मुझे उन्होंने एक भी प्रोफाइल का काम नहीं दिया है। और जब मैं अपने पैसे वापस लेने की बात करता हूँ तो बस मुझे यही संतावना देते हैं कि आपके पैसे अभी दे रहा हूँ, 2 दिन बाद दे रहा हूँ, 1 सप्ताह के बाद में दे रहा हूँ, या फिर कहता है कि अभी आप आराम कर रहे हो शाम को तो सुबह सो के नहीं उठोगे और पैसा तुम्हारा खाते में वापस आ जाएगा। पैसे आज तक नहीं आए सर, मतलब 15 दिन में तुम्हारा 3 लाख रुपए का काम हो जाएगा। शुरू में 50 प्रोफाइल, उसके बाद 100+ प्रोफाइल आपको पर डे मिलेंगी। एक प्रोफाइल का इन्होंने मुझे 200 रुपये देने की बात किया था और फिर इन्होंने एग्रीमेंट की बात किया, एग्रीमेंट में इन्होंने 1 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात किया। जी सर, उनको लगभग जो समझ लीजिए 60-70 हज़ार रुपये मैंने उनको टोटली दे चुका हूँ। उसके बाद दूसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको बताया गया कि मैं तुमको ग्रोसरी के लिए फ्रेंचाइजी दूंगा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे काम होते हैं उसी प्रकार से यह काम रहेगा। उसके लिए भी उससे 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी की मांग की गई, उसने भी लगभग 60-65 हज़ार रुपये उसको दिया। जब मैं जॉब की तलाश में था, मुझे काफ़ी ज़रूरत थी जॉब की, तो मैंने एक ऐड देखा था अपना राइट करके, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट की जैसी कंपनी है ई कॉमर्स, वैसे उसका भी ई कॉमर्स कंपनी थी अपना राइट, तो उसने मुझे फिर फ्रेंचाइजी की बताया, फ्रेंचाइजी की लालच दिया उसने मुझे, दें मुझे ग्रोसरी के फ्रेंचाइजी की लालच दिया कि इसमें आप इन्वेस्ट करते हो 3.5 लाख तो आप इसमें महीने के 1 लाख रुपये कमा सकते हो। तो उसने अपने झूठे झूठे बातों हमको फंसाया, बड़े बड़े मतलब पैसे बताया, 62,000 रुपये उसे दिया डिपॉजिट, 50,000 रुपये ऑनलाइन दिया और 12,000 रुपये कैश दिया था। तो 12,000 रुपये एग्रीमेंट के थे, एग्रीमेंट के पैसे 12,000 लिए उसने और फिर उसने एग्रीमेंट बना के भी नहीं दिया अभी तक। जब भी हम बोलते थे वर्क के लिए, सर काम कब से चालू होगा, बोलता सर आज से होगा, कल से होगा, 15 दिन बाद होगा, भी पेमेंट गेटवे रुका हुआ है, ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग्स है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अभी, और जो इसने किया उसका नाम सुरेश कुमार सोनवे है, वो खसाड़ा मसाड़ा 2 नंबर नाके में उसका घर है, उसका ऑफिस राय गुलमोहर बिल्डिंग टेका नाका कामटी रोड में था और मेरा नाम पवन सतनामी है। अभी ऑफिस ने बंद कर दिया है। सुरेश सोनवे, इन्होंने एक बड़ा फ्रॉड इन गरीब लोगों के साथ में किया और ना जाने अभी कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ उन्होंने ऐसा फ्रॉड किया। ऐसे अगर किसी के साथ भी हुआ है तो BCN से जरूर आप संपर्क कीजिए, BCN आपके साथ हुए अन्याय को जरूर जनता तक लेकर आएगा। इन सारे मामलों में एक चीज जरूर समझ में आती है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, पहले जांच पड़ताल कर ले और ख़ास करके पैसा तो बिल्कुल भी ना दे किसी को कुछ भी करने से पहले।
आप देखते रहे आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। जय हिंद।